माँ दुर्गा नर्सरी की तरफ से सभी किसान भाइयों और मेरा प्लांट लवर दोस्तों को दिल से स्वागत है। अस्टेरिस गार्डन में लगाने के लिए कुछ ड्रॉप वैरायटी फ्रूट प्लांट के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे, जो हर वेदर में हर मिट्टी में बहुत ही कम एड्रेस के अंदर आपको हर साल बहुत ही अच्छा फ्रूट देखने को मिल जाएगा। तो पहले नंबर पे एप्पल का एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही डिमांडेड एंड हॉट क्लाइमेट में बहुत ही आसानी से फ्रूट देने वाला एक एप्पल का वैरायटी के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। ये जो प्लांट अभी स्क्रीन में देख रही है, इस वैरायटी का नाम है होरिमोहन 99 एप्पल। हॉट क्लाइमेट में बहुत ही आसानी से फ्रूट देने वाला एक एप्पल का वैरायटी है। तो इस वैरायटी का प्लांट अगर आपको परचेस करना है तो लगभग 2.5 फुट से लेकर 3.5 फुट तक आपको मैच्योर ग्राफ्टेड किया हुआ प्लांट मिल जाएगा रिजनेबल प्राइस में। हर वेदर में हर मिट्टी में बहुत ही आसानी से फ्रूट देने वाला एक एप्पल का वैरायटी है होरिमोहन 99 एप्पल। बहुत ही मीठा सा होता है इस वैरायटी का फ्रूट। चाहे आप टेरिस गार्डन में बड़ा पॉट में, चाहे खेत में ला सकते हैं। प्लांटेशन करने के बाद आपको एक साल के अंदर बहुत ही आसानी से फ्रूट देखने को मिल जाएगा। तो इस वैरायटी का प्लांट अगर आपको परचेस करना है तो लगभग 2.5 फुट से लेकर 3.5 फुट तक आपको मैच और ग्राफ्टेड किया हुआ 30% प्लांट में 2 से 3 ब्रांच के साथ आपको बूसी प्लांट मिल जाएगा रिजनेबल प्राइस में होरिमोहन 99 एप्पल। और जितने सारे वैरायटी का प्लांट हम लोग ऑनलाइन में सेल करते हैं, 70% प्लांट हम लोग खुद तैयार करते हैं। और ये जो प्लांट अभी स्क्रीन में देख रही है होरिमोहन 99 एप्पल, देख सकते हैं ग्राफ्टिंग का पार्ट मैच और ग्राफ्टेड का है। तो इस वैरायटी का प्लांट अगर आपको परचेस करना है तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रिजनेबल प्राइस में मैच और ग्राफ्टेड का आपको प्लांट मिल जाएगा होरिमोहन 99 एप्पल। प्लांटेशन करने के बाद आपको एक साल के अंदर बहुत ही आसानी से फ्रूट देखने को मिल जाएगा। हॉट क्लाइमेट में बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला एक एप्पल का वैरायटी है। एप्पल का सिर्फ ए वैरायटी नहीं है, ए वैरायटी छोड़ के और भी बहुत सारे वैरायटी का एप्पल हमारे पास मिल जाएगा, जैसे अन्ना, गोल्डन डोरसेट, और भी बहुत सारे वैरायटी का मिल जाएगा। तो कोई भी वैरायटी का एप्पल का प्लान अगर आपको परचेस करना है तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रिजनेबल प्राइस में आपको मैच और ग्राफ्टेड का जेन्युइन प्लान मिल जाएगा होरिमोहन 99 एप्पल। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे टेरिस गार्डन में लगाने के लिए एक बहुत ही रेयर वैरायटी फ्रूट प्लान के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। ये जो प्लान अभी स्क्रीन में देख रही है, इस वैरायटी का नाम है लॉन्ग मालबेरी। मालबेरी का बहुत सारे वैरायटी मिलता है, लेकिन ये जो प्लान अभी स्क्रीन में देख रही है, इस वैरायटी का जो फ्रूट होगा मतलब लंबा वाला होगा, इसलिए इस वैरायटी का नाम है लॉन्ग मालबेरी। तो इस वैरायटी का प्लान चाहे आप टेरिस गार्डन में बड़ा पॉट में बहुत ही आसानी से ग्रो कर पाएंगे, और हर वेदर में हर मिट्टी में लगाने के बाद आपको बहुत ही आसानी से फ्रूट देखने को मिल जाएगा। इस वैरायटी का प्लान लगाने के बाद आपको 2 से 3 महीने के अंदर फ्रूट देखने को मिल जाएगा लॉन्ग मालबेरी। तो इस वैरायटी का प्लान अगर आपको परचेस करना है तो लगभग 2 फीट का मैच्योर ग्राफ्टेड का प्लान मिल जाएगा। प्लांटेशन करने के बाद आपको 2 से 3 महीने के अंदर बहुत ही आसानी से फ्रूट देखने को मिल जाएगा। हर वेदर में हर मिट्टी में बहुत ही आसानी से फ्रूट देने वाला एक मीठा सा वैरायटी का मालबेरी का प्लांट है लॉन्ग मालबेरी। तो इस वैरायटी का प्लांट अगर आपको परचेस करना है तो बहुत ही अच्छा कंडीशन में आपको प्लांट मिल जाएगा, मैच्योर ग्राफ्टेड का प्लांट मिल जाएगा। प्लांटेशन करने के बाद आपको 2 से 3 महीने के अंदर बहुत ही आसानी से फ्रूट देखने को मिल जाएगा लॉन्ग मालबेरी। बहुत ही अच्छा कंडीशन में आपको प्लांट मिल जाएगा लॉन्ग मालबेरी का। तो इस वैरायटी का प्लान अगर आपको परचेस करना है तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रिजनेबल प्राइस में आपको मैच और ग्राफ्टेड का जेन्युइन प्लान मिल जाएगा लॉन्ग मालबेरी। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे हॉट क्लाइमेट में या टेरिस गार्डन में बहुत ही आसानी से फ्रूट देने वाला एक एवोकाडो का बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही डिमांडेड वैरायटी के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। ये जो प्लान अभी स्क्रीन में देख रही है, एक एवोकाडो प्लांट है। इस वैरायटी का नाम है हास एवोकाडो। ये हॉट क्लाइमेट में बहुत ही आसानी से फ्रूट देने वाला एक एवोकाडो का वैरायटी है हास एवोकाडो। इस वैरायटी का प्लांट लगाने के बाद आपको एक साल के अंदर बहुत ही आसानी से फ्रूट देखने को मिल जाएगा। तो इस वैरायटी का प्लांट अगर आपको परचेस करना है तो बहुत ही अच्छा कंडीशन में आपको मैच्योर ग्राफ्टेड का प्लांट मिल जाएगा रिजनेबल प्राइस में। प्लांटेशन करने के बाद आपको एक साल के अंदर बहुत ही आसानी से फ्रूट देखने को मिल जाएगा। हॉट क्लाइमेट में या हर वेदर में हर मिट्टी में बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी मेंटेनेंस के अंदर आपको हर साल बहुत ही अच्छा फ्रूट देने वाला एक एवोकाडो का वैरायटी है हास एवोकाडो। तो इस वैरायटी का प्लान अगर आपको परचेस करना है तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैच्योर ग्राफ्टेड का आपको जेन्युइन प्लान मिल जाएगा बहुत ही अच्छा कंडीशन में। तो इस वैरायटी का प्लान अगर आपको परचेस करना है तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रिजनेबल प्राइस में आपको मैच्योर ग्राफ्टेड का प्लान मिल जाएगा एवोकाडो का हास एवोकाडो। हॉट क्लाइमेट में या हर वेदर में हर मिट्टी में बहुत ही कम मेंटेनेंस के अंदर आपको हर साल बहुत ही अच्छा फ्रूट देने वाला एक एवोकाडो का वैरायटी है हास एवोकाडो। तो इस वैरायटी का प्लान अगर आपको परचेस करना है तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया ऑनलाइन होम डिलीवरी अवेलेबल है हास एवोकाडो। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे टेरिस गार्डन में लगाने के लिए एक इमली का बहुत ही रेयर वैरायटी प्लांट के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। ये जो प्लांट अभी स्क्रीन में देख रही है, इस वैरायटी का नाम है स्वीट रेड इमली।
ये बहुत ही रेयर एक इमली का वैरायटी है। इस वैरायटी का जो फ्रूट होता है बहुत ही मीठा सा होता है और अंदर का जो पार्ट होता है पूरी तरह से रेड कलर का होता है। बहुत ही इजी मेंटेनेंस का वैरायटी है। प्लांटेशन करने के बाद आपको 3 से 4 महीने के अंदर बहुत ही आसानी से इस वैरायटी में फ्रूट देखने को मिल जाएगा। इस वैरायटी का प्लांट आपको ग्राफ्टेड मिलेगा, मैच्योर ग्राफ्टेड का मिलेगा। प्लांटेशन करने के बाद आपको 2 से 3 महीने के अंदर बहुत ही आसानी से फ्रूट देखने को मिल जाएगा। चाहे इस वैरायटी का प्लांट आप जिस भी वेदर में लगाए, जिस भी मिट्टी में लगाए, प्लांटेशन करने के बाद आपको बहुत ही आसानी से फ्रूट देखने को मिल जाएगा। स्वीट रेड इमली बहुत ही रेयर वैरायटी का फ्रूट प्लांट है। तो इस वैरायटी का प्लांट अगर आपको परचेस करना है तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रिजनेबल प्राइस में आपको मैच्योर ग्राफ्टेड का जेन्युइन प्लांट मिल जाएगा। नेक्स्ट 5th नंबर पे टेरिस गार्डन में या खेत में लगाने के लिए जामुन का एक बहुत ही रेयर वैरायटी प्लांट के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। ये जो जामुन का प्लांट अभी स्क्रीन में देख रही है, इस वैरायटी का नाम है थाईलैंड केजी जामुन और इसका दूसरा भी नाम है सीडलेस जामुन। इस वैरायटी के अंदर आपको जो सीड देखने को मिलेगा बहुत ही छोटा सा होता है, इसलिए इस वैरायटी का नाम है सीडलेस जामुन। इस वैरायटी का जो जामुन होता है, जामुन का कलर पूरी तरह से ब्लैक कलर का होता है। ये ब्लैक कलर का जामुन है और एक मैच्योर फ्रूट का वजन लगभग 300 ग्राम तक होता है और ये बहुत ही रेयर वैरायटी का जामुन का प्लांट है। और ये ग्राफ्टेड का प्लांट आपको मिलेगा रिजनेबल प्राइस में। प्लांटेशन करने के बाद आपको 6 महीने के अंदर बहुत ही आसानी से हर वेदर में हर मिट्टी में बहुत ही आसानी से फ्रूट देखने को मिल जाएगा। थाईलैंड केजी जामुन हर वेदर में हर मिट्टी में हर साल बहुत ही अच्छा फ्रूट देने वाला एक जामुन का वैरायटी है। तो इस वैरायटी का प्लांट अगर आपको परचेस करना है तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। रिजनेबल प्राइस में मैच्योर ग्राफ्टेड का आपको जेन्युइन प्लांट मिल जाएगा। एक मैच्योर फ्रूट का वजन मतलब जामुन जो होता है, एक मैच्योर फ्रूट का वजन लगभग 300 से 350 ग्राम तक होता है। बहुत ही टेस्टफुल वैरायटी का और बहुत ही मीठा सा होता है और अंदर में आपको बहुत ही छोटा सा सीड देखने को मिलेगा, पूरी तरह से सीडलेस वैरायटी है। तो इस वैरायटी का प्लांट चाहे आप टेरिस गार्डन में बड़ा पॉट में चाहे खेत में लगा सकते हैं। ज़्यादा बड़ा हाइट का प्लांट होता नहीं है, ड्रॉप रहता है, इसलिए टेरिस गार्डन में बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला एक जामुन का वैरायटी है। तो इस वैरायटी का प्लांट अगर आपको परचेस करना है तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रिजनेबल प्राइस में आपको मैच और ग्राफ्टेड का प्लांट मिल जाएगा। प्लांटेशन करने के बाद आपको 6 महीने के अंदर बहुत ही आसानी से फ्रूट देखने को मिल जाएगा। थाईलैंड केजी जामुन। नेक्स्ट 6th नंबर पे टेरिस गार्डन में या खेत में लगाने के लिए एक ऑरेंज का बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही डिमांडेड एंड हर वेदर में बहुत ही आसानी से फ्रूट देने वाला एक स्वीट वैरायटी ड्वार्फ वैरायटी ऑरेंज प्लांट के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। ये जो प्लांट अभी स्क्रीन में देख रही है, सभी का सभी प्लांट में फ्रूट की बाट लगा हुआ है। इस वैरायटी का नाम है चाइना बूस ऑरेंज। ये बहुत ही मीठा वैरायटी का एक ऑरेंज का प्लांट है, चाइना बूस ऑरेंज। तो इस वैरायटी का प्लांट अगर आपको परचेस करना है तो लगभग 2 फीट का मैच्योर ग्राफ्टेड का 2 से 3 ब्रांच के साथ आपको इस टाइम ऑर्डर करेंगे तो फ्रूट के साथ ही मिल जाएगा, क्योंकि सभी का सभी प्लांट में देख सकते हैं फ्रूटिंग की बार लगा हुआ है। और जितने सारे वैरायटी का प्लांट हम लोग ऑनलाइन में सेल करते हैं सभी प्लांट मैच्योर ग्राफ्टेड का होता है। प्लांटेशन करने के बाद जिस प्लांट में फ्रूट आया नहीं है, प्लांटेशन करने के बाद आपको 6 महीने के अंदर सभी वैरायटी में बहुत ही आसानी से फ्रूट देखने को मिल जाएगा। चाइना स्वीट ऑरेंज या चाइना बूस ऑरेंज। तो इस वैरायटी का प्लांट अगर आपको परचेस करना है तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रिजनेबल प्राइस में आपको मैच्योर ग्राफ्टेड का फ्रूट लगा हुआ प्लांट मिल जाएगा, चाइना बूस ऑरेंज। हर वेदर में हर मिट्टी में बहुत ही आसानी से अच्छा फ्रूट देने वाला एक ऑरेंज का वैरायटी है। और इस वैरायटी का फ्रूट बहुत ही मीठा सा होता है और इसका जो मतलब ऊपर वाला जो छिलका होता है बहुत ही पतला सा होता है। खाने में बहुत ही स्वीटेबल वैरायटी का ऑरेंज है और हर साल आपको बहुत ही अच्छा फ्रूट देने वाला एक ऑरेंज का वैरायटी है। तो इस वैरायटी का प्लांट अगर आपको परचेस करना है तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रिजनेबल प्राइस में आपको मैच्योर ग्राफ्टेड का जेन्युइन प्लांट मिल जाएगा, चाइना बूस ऑरेंज। टेरिस गार्डन में लगाने के लिए एक बहुत ही इजी मेंटेनेंस का वैरायटी ऑरेंज का। ऑरेंज का सिर्फ ए वैरायटी नहीं है, ए वैरायटी छोड़ के और भी बहुत सारे ऑरेंज का वैरायटी हमारा पास मिल जाएगा। तो कोई भी ऑरेंज का वैरायटी का प्लांट अगर आपको परचेस करना है तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रिजनेबल प्राइस में आपको मैच और ग्राफ्टेड का जेन्युइन प्लांट मिल जाएगा, चाइना स्वीट ऑरेंज या चाइना बूस ऑरेंज।